कंपनी एस्पॉन्ड भी बना के हम लोग को जान लेना चाहती है। वो चाहती है कि एस्पॉन्ड भी यहीं रहे और गांव वाले लोग भी यहीं मरे, ये चाह रही है कंपनी। सीधी तस्वीर होगी उन लोगों का जो दर्द में है। एस्पॉन्ड अगर नहीं बने तो हम लोग का मांग यही कि हम लोग यहीं रहें, लेकिन अगर एस्पॉन्ड जबरन बनाएगा यहाँ प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो फिर हम लोग को यहाँ से डिस्प्लेस कर। जोहार, जैसा कि झारखंड में खनिज संपदा की कमी नहीं है, ऑफिशियल रूप से 40% की खनिज संपदा बताया गया है, और अगर वैसे भी देखा जाए तो 50% खनिज संपदा का अहर्ता रखते हैं पूरे भारतवर्ष में। और मैं इस वक्त खड़ा हूँ कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के ये जयनगर प्रखंड में, जयनगर क्षेत्र में खड़ा हूँ। ये करियावा गांव है, और करियावा गांव में एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाऊंगा जो तस्वीर देख के आपको भी लगेगा कि क्या झारखंड में ऐसा कुछ भी होता है क्या। लोग बिजली जलाते हैं, उनको अच्छा लगता है कि बिजली तो जल रही है, लेकिन जहाँ से बिजली जल रही है, जिस तरह कहते हैं ना कि दीपक जलता है खुद जला के दूसरों को रोशन करता है, लेकिन जिस जगह से बिजली की उत्पत्ति होती है उस जगह के लोग कितने दर्द में हैं। आइए कुछ ऐसा ही तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। करियावा के लोग बैठे हुए हैं, इसलिए बैठे हुए हैं कि इन लोग की जमीन जो है KTPS में गया है। KTPS दामोदर घाटी जो कोडरमा थर्मल पावर है, उनकी जमीन यहाँ गई हुई है, और ये वही विस्थापित लोग हैं। और क्या कुछ मामला है, क्या कुछ कहते हैं, आइए हम बताने का प्रयास करेंगे, ग्रामीणों से जानने का प्रयास कर देंगे। ये सीधी तस्वीर होगी उन लोगों का जो दर्द में है। क्या नाम है? ईश्वर यादव। ईश्वर जी, यहाँ KTPS बना हुआ है, ठीक है, सुनने में आया है कि यहाँ आप लोग की काफी जमीन गई है, क्या कुछ मामला है, कितनी जमीन है आपकी गई है यहाँ? 270 एकड़ गया है हम लोग को, जो DVC प्लांट लिए है 270 एकड़, उसमें अभी स्पॉन्ड जो अभी बनाया जा रहा है नया वाला, बाकी तो जो स्पॉन्ड जो बना है टेम्प्रोरी, वो करियावा के थोड़ा सा ही जमीन गया है, बाकी बड़ा वाला में स्पॉन्ड में करियावा कहीं, सिर्फ करियावा कहीं जमीन गया है। और जब ये स्पॉन्ड बनेगा तो ये गांव का स्थिति क्या होगा वो आप लोग अभी मैंने साक्षात देखने वाली चीज़ है। जो छोटा टेम्प्रोरी स्पॉन्ड में जो गांधीनगर में है, वो आदमी मैंने दिन को या रात को छत पर नहीं रह सकता है, ने कपड़ा ने भी नहीं सुखा सकता है, पूरा पानी वहाँ का ख़राब हो चुका है। और जब ये स्पॉन्ड बनेगा तो पूरा करियावा के भी लेयर उसी तरह से ख़राब होगा, जिसमें हम लोग को यहाँ पानी पीने लायक नहीं रहेगा। अच्छा, ये चीज़ बताइए कि जो अभी KTPS में जो गई है जमीन, वो कितनी ज़मीन है गई है? हम लोग को तो बताएं 270 एकड़ करियावा का खुद एकदम, ये गाँव की गई है टोटल 270 एकड़, टोटल 525 एकड़ है, तो 1800 कुछ है, 1800 कुछ है। कितने गाँव उसमें? 32 गांव है, जो करियावा 32वां गांव में आता है। अच्छा, 32वां गांव में, तो सारे गांव को विस्थापित किया गया है? सारे के उधर तो हो चुका है, सिर्फ करियावा नहीं हुआ है। तो करियावा की जब 270 एकड़ जमीन गई है, तो ये विस्थापित लिस्ट में क्यों नहीं? जिसमें हम लोग के साथ जिस टाइम जब हम लोग आंदोलन किए थे, तो आंदोलन में जब लाठीचार्ज हुआ ना, तो उसी समय से करियावा को हटा दिया गया लिस्ट से, कि करियावा उदंड गाँव है। जो हम लोग के साथ मैंने जबरदस्ती मैंने लड़ाई झगड़ा दुनियादारी करता है, तो हम लोग को वो नहीं था, हम लोग को ये था कि यहाँ इधर में स्पॉन्ड नहीं बनना चाहिए। क्या है कि देखिए, ये चीज़ मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ, क्या है कि हम लोग को जानकारी नहीं थी, जिस टाइम हमारे जमीन अधिग्रहण हो रही थी उसमें हम लोग को मैंने जानकारी नहीं था कि स्पॉन्ड कैसा होता है। हम लोग सोचे कि गाँव लोग बोला कि जब यहाँ प्लांट मैंने बनेगी तब मैंने विकास होगा, रोजगार होगा, मैंने अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, शिक्षा उच्छा मैंने सारी सुविधा दी जाएगी, तो हम लोग भी लालच में दे दिए जमीन। जब स्पॉन्ड बनने का आया तब हम लोग ने देखे, टेम्प्रोरी स्पॉन्ड बना था जो गांधीनगर में, हम लोग देखे कि वहाँ इतना डस्ट उड़ता है, जब आप इधर से जाइएगा तो बिना हेलमेट या मैंने 4-व्हीलर के अलावा नहीं जा सकते हैं, ना तो आपका पूरा आँख इतना लहरता है उसे डस्ट से, जो आप नहीं जा पाइएगा, जो धूल उड़ेगा। जब हम लोग देखे तब हम लोग ने इसमें विरोध किए, लेकिन विरोध किए तो हम लोग को लाठीचार्ज हुआ, मारा पीटा गया पूरा, उसी में हम लोग को विस्थापित। अच्छा, जमीन गई उसकी मुआवजा वगैरह मिला था मुआवजा? अच्छा, तो आप लोग जो अभी विरोध कर रहे हैं, क्या चीज़ का है कि मुआवजा नहीं चाहिए, जमीनें चाहिए क्या? हम लोग तो वही विरोध किए थे कि जमीनें हम लोग को दे दीजिए, अपना मुआवजा ले लीजिए। अच्छा, मुआवजा ले लीजिए। तो जैसा कि मामला समझ में आ रहा है कि मैं बता दूं कि तिलैया डैम की स्थापना आज़ादी के बाद हुई थी, और एक उद्देश्य हुई थी कि यहाँ के ग्रामीणों को जो है सुविधा मिले, चाहे वो सिंचाई से हो संबंधित जितनी भी सुविधा। यहाँ थर्मल पावर बनाया गया तो उसमें भी एक नॉर्म्स होता है कि स्थानीय लोगों को बिजली फ्री दी जाएगी, लेकिन बिजली फ्री मिलती है कि नहीं मिलती है, आज कई साल हो चुके हैं, क्या कुछ मामला है, बेहतर ढंग से हम जानने का प्रयास करते हैं। कौन अपने? ये अभी जो है, जो अभी स्पॉन्ज की बात कर रहे थे एक जनाब, कि 270 एकड़ ज़मीनें आपका करियावा गांव का गया हुआ है, मुआवजा मिली, कितनी मुआवजा मिली?
देखिए, सबसे पहले तो हम लोग का जमीन अधिग्रहण 2008 में शुरुआत की गई थी यहाँ पे डीवीसी के द्वारा, और हम लोग लगभग 2008 समथिंग 9 में नोटिस किया गया। तो नोटिस के द्वारा जो भी हम लोग का रेट तय किया गया था बहुत ही कम था, जैसे कि लगभग 4,000-5,000 जमीन के आधार पे, कुछ ज़मीन का 4,000 भी था, कुछ ज़मीन का 5,000 था, कुछ ज़मीन का 7,000-8,000 करके। तो हम लोग विरोध किए और लगभग हम लोग 4 साल तक विरोध किए उसका, कि हम लोग नोटिस एक्सेप्ट ही नहीं किए क्योंकि हम लोग का ज़मीन के आधार पर मुआवजा बहुत ही कम मिल रहा था। तो 2013 तक हम लोग इसी तरह विरोध किए, तो कुछ गांव के लोग भी उसमें बेवकूफ़ी किए, जो उसे बेवकूफ़ बना करके नोटिस एक्सेप्ट करवा दिया गया, तो कुछ लोग एक्सेप्ट किए। उसके आधार पर फिर हम लोग को मजबूरन हम लोग को नोटिस लेकर के पैसा मुआवजा लेना पड़ा। तो लगभग हम लोग को 70-75,000 रुपये पर कट्ठा के हिसाब से दिया गया था। उसके बाद फिर एस्पॉन्ड का कार्य शुरू होने लगा यहाँ पे, और उसमें ऑलरेडी पहले प्लांट बन चुकी थी, सिर्फ एस्पॉन्ड का कार्य रुका हुआ था। तो हम लोग को जो अभी पूर्व में बताया, हम लोग को गार्जियन है ईश्वर यादव जी बताया कि एस्पॉन्ड होता क्या है, ये हम लोग को जानकारी नहीं था कि एस्पॉन्ड क्या होता है। तो उससे पहले हम लोग का यहाँ बगल गांधीनगर गाँव, वहाँ पर टेम्प्रोरी एस्पॉन्ड बना। एस्पॉन्ड बना तो वहाँ का जो दृश्य हम लोग देखे, वहाँ का छाए उड़ना, डस्ट उड़ना, पोल्यूशन इतना ज़्यादा, मतलब एकदम भयावह स्थिति है कि मतलब समझ लीजिए कि छत पे जब गर्मी के दिन आता है ना, हवा चलता है तो लगभग आधा आधा इंच पर तो जम जाता है, इतना मोटा डस्ट। घर में पानी रखिएगा तो घर में पानी पानी के ऊपर पूरा डस्ट से पर जम जाता है, कपड़ा डालिएगा कपड़ा पे पूरा डस्ट पड़ जाता है। तब फिर हम लोगों को गार्जियन लोग ने बोला कि नहीं, ये तो स्थिति बहुत ही ख़राब होगा, आने वाला समय में हम लोग का भविष्य खराब हो जाएगा, गाँव का भविष्य खराब हो जाएगा। तो ये हम लोग कुछ एक मांग करते हैं डीवीसी या प्रशासन से। तो हम लोग सबसे पहले अपना जो संवैधानिक तरीका होता है आवेदन दे करके हम लोग डीवीसी को और जिला प्रशासन को भी दिए कि भाई कि हम लोग को यहाँ स्थिति बहुत ख़राब होने वाला है, तो यहाँ पे एस्पॉन्ड आप मत बनाइए, क्योंकि हम लोग पूरा लगभग इस गाँव का 4,000 आबादी का गाँव है करियावां, और एकदम अभी जाग देखिएगा आप लोग, मुआयना कर लीजिएगा एस्पॉन्ड का, हम लोग गाँव से लगभग 50 फीट की दूरी नहीं है एस्पॉन्ड, और जब एस्पॉन्ड ही कंप्लीट होगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा इसी का। अभी क्या करते हैं कि एस्पॉन्ड आप लोग? हाँ, अभी हम लोग का यही मांग है कि एस्पॉन्ड को स्थगित कर दिया जाए, अगर हम लोग का अगर जीवन बचे तो एस्पॉन्ड को यहाँ ना बनाया जाए। आप लोग विस्थापित होना चाह रहे हैं या यहीं रहना चाह रहे हैं? अगर एस्पॉन्ड अगर नहीं बने तो हम लोग का मांग यही कि हम लोग यहीं रहें, लेकिन अगर एस्पॉन्ड जबरन बनाएगा यहाँ प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो फिर हम लोग को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाए। डिस्प्लेस जी, आप लोग होना चाहते हैं डिस्प्लेस? जी बिल्कुल होना चाहते हैं, डिस्प्लेस होना चाहते हैं। जी डिस्प्लेस बिल्कुल होना चाहते हैं। अगर यहाँ पे अगर एस्पॉन्ड बाय जबरन बनाया जाएगा तो फिर हम लोग, हाँ बाय जबरन बनाया जाएगा तो हम लोग यहाँ गाँव छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इस गाँव इस जगह से हम लोग का पूर्वज आज कई हजार वर्षों से हम लोग। कंपनी तो चाहती है ना कि डिस्प्लेस कर दिया जाए? कंपनी नहीं चाहती है, कंपनी एस्पॉन्ड भी बना कर हम लोग को जान लेना चाहती है, वो चाहती कि एस्पॉन्ड भी यहीं रहे और गांव वाले लोग भी यहीं मरे, ये चाह रही है कंपनी, वो खुद भाग जाए। हाँ ये वो चाहती कि यहाँ से वो खुद भाग जाएगा, अगर यहाँ पे पोल्यूशन होगा, यहाँ से डस्ट से आदमी बीमार पड़ेगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो अपने खुद भागेगा यहाँ से, प्लान कर जाएगा यहाँ के लोग, प्लान कर जाएगा। जी मामला समझ में आती है, लेकिन जिस समय ये बना था और जिस समय जमीनें अधिग्रहण की जा रही थी, उस समय क्या नियम था, ये चीज़ को भी समझते हैं चचा से। चचा, जिस समय आप लोग की ज़मीनें ली जा रही थी और जिस समय 32 गांव को विस्थापित भी किया गया, जिसमें आपका करियावां भी आता है, किया नहीं गया है, उस समय क्या नियम था, क्या बोल के लिया गया था? हम लोगों को बोला गया था कि करियावां के ज़मीन लेंगे तो हम यहाँ एस्पॉन्ड नहीं बनाएंगे, हम यहाँ कॉलोनी बनाने के लिए ज़मीन ले रहे हैं, इसलिए करियावां के लोग ज़मीन दिए थे। ये हम लोगों के साथ कंपनी अच्छा, बिजली जो बन रही है, यहाँ उत्पादन हो रही है, ये बिजली बताया जाता है कि बाहर जो है राज्य जाता है, तो आप लोग के लिए क्या बोला गया था कि बिजली मुफ्त देंगे? हाँ, हम लोगों को बोला गया था कि 9 किलोमीटर के रेडियस में पानी बिजली फ्री दिया जाएगा। ये कितना किलोमीटर के रेडियस में करियावां होगा? ये तो नहीं, हमारा करियावां गांव 1 किलोमीटर बाई 3 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बाई 3 किलोमीटर जी। यानी कि आप यहाँ तो पूरा करते हैं जी। आपको मिल रहा है मुफ्त में बिजली? मुफ्त में क्या, हमारे 32 गांव के भी जमीन ले गया है, वो किसी को नहीं मिलता है, हमको कहाँ से मिलेगा बिजली? पानी नहीं मिल रहा है? अब डीवीसी के द्वारा एक टैबलेट नहीं दिया जा रहा। अच्छा, बेहतर सड़क? सड़क तो बिगाड़ कर रख दिया अभी। बेहतर शिक्षा? शिक्षा के नाम पर मैं कहा था कि मेरी जमीन सब ले ली है, तो स्कूल बनाने के लिए जमीन नहीं है, अब जमीन मुझे 1 एकड़ दीजिए एनओसी दे के,
जिसमें स्कूल बनावे, जो कि आज तक डीबीसी हमको झांसा देते आ रही है, न दिया है न देने के पक्ष में। आगे के क्या रणनीति है? हम लोग अब डीबीसी और सरकार समझे, मैं तो इस गांव के लिए अगर लड़ना, हम तो लड़ते रहेंगे जब तक प्राण रहेगा, लड़ते रहेंगे, एकदम लड़ेंगे। जैसे अभी देख रहे हैं कि जेबीकेएसएस की बैठक हो रही है, जयराम जी के समर्थक यहां आपसे मिलने आए हुए हैं, क्या लगता है कि उनके साथ कंधा से कंधा मिलाना चाहिए? मैं तो गार्जियन के हैसियत से उनको कंधा हमेशा लगा दूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। मतलब उनके साथ, जैसे देखिए अभी जो हाल ही में ESL मेदांता में सुनने में आया है, एक तस्वीर सामने, नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है कि अभी 45 लोगों की नौकरी दिया जा रहा है, फिर 45 दिन के बाद 45 लोगों को दी जाएगी, फिर कुछ लोगों को ना कुल मिला के लगभग 400 लोगों की देने की बात हुई है, मुआवजा देने की बात हुई है। ये दो दिन के आंदोलन से निकल के आया है सामने, जिसमें जेबीकेएसएस में समर्थन किए हैं, क्या लगता है कि वो सब तस्वीर देखने के बाद आप भी उनका समर्थन करेंगे? मैं खतियानी संघर्ष समिति से 1972 से मैं अपने इच्छा जाहिर करते आ रहा हूँ कि झारखंड अलग होने के बाद भी हमको झारखंड की असलियता नागरिक नहीं समझा जा रहा है, इसलिए मैं जेपी दास से मिलते रहूँगा और उनका पार्टी से मैं समर्थन देते रहूँगा, यही मेरा कहना। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी क्या बोल रहे? हाँ, शॉर्ट में अब ख़त्म कर रहे हैं। तो तस्वीर में स्पष्ट आपने देखे कि ये झारखंड के वो लोग हैं जो दर्द से पीड़ित हैं। हालांकि मैं जब खबर चलाता हूं, लोग कहते हैं कि आप जो है सो कई मुद्दे हैं उन पे क्यों नहीं चलाते हैं इन साहब को, तो मेरा काम है, मैं निकला हूं, मैं इसलिए निकला हूं कि झारखंड में अगर झारखंड 50% की अर्हता रखते हैं पूरे भारत में खनिज संपदा देने के, तो उनके लोग आज सुरक्षित क्यों नहीं है, उनके लोगों को सुख सुविधाएं क्यों नहीं है, उनके लोगों के लिए बेहतर शिक्षा क्यों नहीं है, उनके लोगों के लिए बेहतर पानी क्यों नहीं है, बेहतर बिजली क्यों नहीं है, बेहतर सड़क क्यों नहीं है, ये सवाल उठता है। और यही सवाल को खोजने के लिए, जवाब को खोजने के लिए मैं गांव स्तर तक, लोगों तक, गांव-गांव पहुंच रहा हूं। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ये विस्थापित परिवार या फिर जो ये पीड़ित परिवार है KTPS का, ये KTPS कोडरमा थर्मल पावर का, उनके समर्थन में आप लोग कितने आ रहे हैं। इस तरह की खबरों के लिए जुड़े रहे आईना प्लस के साथ। सच दिखेगा तो बोलेगा। जय हिंद, जोहार।